गाइस, क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है कि वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? और क्या आप जानते हैं कि आपका जीव माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? या फिर प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी को अब्सॉर्ब कैसे करता है? क्या इसमें कोई सोलर पैनल लगा होता है? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बचपन में जब हम साइंस किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लड का आकार कुछ इस तरह दिखाया जाता है। जबकि हम अपने आंखों से देखते हैं तो ब्लड हमें कुछ इस तरह लाल दिखाई देता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ऐसे में हमें समझ में नहीं आता टीचर हमें क्या दिखा रहा है। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज होता है। जब आप अपनी ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपके ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल दिखाई देगा और उसके साथ साथ बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स भी नजर आएंगे। और ये सभी ब्लड सेल प्लाज्मा के अंदर होता है, जिसे हमें जूम आउट करने पर लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। दोस्तों, हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स हमेशा सनलाइट की एनर्जी से ही अपना खाना बनाता है, लेकिन ये कैसा पॉसिबल है कि प्लांट्स के पत्तियों में कोई सोलर पैनल लगा होता है? दरअसल इसमें कोई सोलर पैनल नहीं लगा होता है, लेकिन ये सोलर पैनल के तरह ही काम करते हैं। जब आप प्लांट्स के पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करेंगे तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे और इन्हीं होल्स से होकर सन का एनर्जी प्लांट्स के अंदर जाता है और प्लांट्स अपना खाना बनाता है। लेकिन अगर आप प्लांट्स के सभी पत्तियों को तोड़ देंगे तो प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी पत्तियां नहीं होगा। गाइस, पेपर हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, इसके बिना हम अपनी स्टडी को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और दुनिया के सभी लोग पॉलिसी पेपर पर ही डिपेंड रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेपर आखिर माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? जब पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो पेपर के ऊपर सूखी पत्तियों जैसा कुछ दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पेपर सूखी घास की पत्तियों से बनाए जाते हैं, इसीलिए हमें पेपर के ऊपर घास की सूखी पत्तियां दिखाई देता है। गाइस, जुबान हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जिसे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलता है। नॉर्मली जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें अपनी जुबान बहुत स्मूथ एंड पिंक कलर का नजर आता है, लेकिन जब हम अपने जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो हमारी जीभ कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते। लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये कांटे क्लियरली दिखाई देगा। इंसानों के शरीर पर ये कांटे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम शेर की बात करें तो आपको बिना माइक्रोस्कोप के बहुत सारे कांटे साफ साफ दिखाई देगा। गाइस, अगर आप शेविंग करते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, जब आप रेजर से शेविंग करते हैं तो आपके बियर्ड जल्दी से बढ़ जाते हैं, वहीं अगर ट्रिमर से शेविंग करते हैं तो आपका बियर्ड उतना जल्दी नहीं बढ़ता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसे पता करने के लिए जब रेजर्स और ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल को साइड बाय साइड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा, जिसमें रेजर द्वारा सेव हुआ बालों का कट एकदम सीधा था, वहीं पर ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल कुछ ऐसा था जैसे कि मानो किसी ने बाल को तोड़ दिया हो, जिसे साफ साफ पता चलता है कि बालों के ऊपरी हिस्से डैमेज हो जाते हैं और इसी के चलते ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल जल्दी से ग्रो नहीं होता। गाइज, आप सब ने कभी ना कभी ब्लेड का इस्तेमाल शेविंग के लिए तो किया ही होगा और कभी कभार अपनी उंगलियों के नाखून भी काटा होगा, पर क्या आपने इतनी शार्प ब्लेड को माइक्रोस्कोप में देखा है कि ये यूज करने के बाद आखिर कैसा दिखता है? अगर आप किसी नए ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह शार्प दिखाई देगा, वही ब्लेड थोड़ा सा यूज करने के बाद दोबारा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिस पर बहुत सारे क्रैक्स आ चुके होते हैं, जिससे वो ब्लेड खराब हो जाता है और थोड़ी सी यूज करने के बाद हमें नए ब्लेड जैसा शेविंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। गाइस, स्पर्म के बारे में भला कौन नहीं जानता? ये सब आपने स्कूल में 7-8 क्लास में ही पढ़ा होगा कि स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो फीमेल के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा होते हैं। नॉर्मली आंखों से देखने पर स्पर्म प्लाज्मा के फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्पर्म माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? ये बंदा अपने स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा और इंतहाई जूम किया तो स्पर्म कुछ इस तरह दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स थे जो इधर उधर भाग रहा था। और इसमें से आप कुछ एबनॉर्मल सेल को भी देख सकते हैं, जो एक आम सेल के मुकाबले कमजोर लग रहा है, और एक सेल जिसका सिर टेढ़ा है और दूसरा जिसका पूंछ बड़ा होने के कारण ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बंदे का स्पर्म खराब है
जी नहीं, हमारे स्पर्म में लाखों करोड़ों जीवित सेल होते हैं, जिसमें से फर्टिलाइज होने के लिए या कह लो बच्चा पैदा करने के लिए किसी एक सेल का ही जरूरत होता है। अब इन लाखों सेल में से कुछ सेल नेचुरली एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज तक वही सेल पहुंचते हैं जो इन सभी में से सबसे हेल्दी एंड स्ट्रांग होता है। दोस्तों, बर्फ कितना ठंडा होता है ये तो आपको पता ही होगा, जो जमने के बाद अपना खुद का लेयर बना लेता है जिस पर आप चल भी सकते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ आखिर माइक्रोस्कोप में दिखता कैसा है? तो जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो बर्फ का स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह दिखाई दिया, जैसा कि मानो आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हो। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बर्फ के अंदर पानी का बाफ फंस जाता है, जो अंदर एक डिजाइन में बदल जाता है। गाइज, आंखें हमारे शरीर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये तो आप सभी जानते होंगे। इसके बिना दुनिया कैसा होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तब क्या होगा जब हम अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे? गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, माइक्रोस्कोप से देखने पर आंखों के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखाई देता है, मानो आप किसी स्पेस में हो। हमारे आंखों के इरिज साफ साफ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे गड्ढे हैं और उसके बीच में एक ब्लैक होल है, जो असल में ब्लैक होल नहीं बल्कि आंखों का लेंस होता है, जिसे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।